तो इसी वेबसाइट पे चले आना है fasttone.org/ जो भी है। ओके नीचे आपको कुछ इस तरह का exe फाइल का डाउनलोड बटन और exe फाइल का दूसरा साइड का डाउनलोड बटन, एक zip फाइल का डाउनलोड बटन और जो भी एक फोर्टेबल, तो नीचे जो ये exe के नीचे जो डाउनलोड बटन है इस पर आपको क्लिक करना है और जो डाउनलोड है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। ओके थोड़ा वक्त लेगा, उसके बाद राइट क्लिक करेंगे, शो इन फोल्डर पर क्लिक करेंगे और जो फोल्डर है उस पर आप चले जाएंगे। सिंपली राइट क्लिक करेंगे और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करेंगे और जो फोल्डर है सॉरी जो फाइल है सॉफ्टवेयर है वो ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह का। यूजर अकाउंट कंट्रोल से पूछा जाएगा येस या नो, तो सिंपली आपको येस पर क्लिक कर लेना है। ओके और कुछ टाइम वेट करने के बाद कुछ इस तरह नेक्स्ट, आई एग्री और उसके बाद जहाँ भी आप रखना चाहते हो जहाँ पर भी सिंपली इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे और जो फाइल्स जो सॉफ्टवेयर है वो आपने पीसी पे इंस्टॉल हो रहे हैं। ओके गाइस ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, लगभग एक मिनट। उसके बाद सिंपली फिनिश दो बार क्लिक करेंगे इधर, हो गया। उसके बाद डिफॉल्ट ब्राउजर पे कुछ इस तरह का नोटिफिकेशन आएगा, थैंक यू वेरी मच फॉर यूजिंग फास्टोन प्रोग्राम्स, जिस की आप देख सकते हो। ओके इसको मिनिमाइज कर रखेंगे अभी के लिए। उसके बाद आप देख सकते हो फास्टोन इमेज व्यूअर कुछ इस तरह का आइकन बन के आएगा अपने डेस्कटॉप पे, तो कुछ इस तरह का आप देख सकते हो इंटरफेस जो पहली बार है, अपडेटिंग डाटाबेस फाइल जैसे कि आप देख सकते हो। तो कुछ इस तरह का जैसे कि आप देख सकते हो और इधर जो फाइल्स फोल्डर्स वगैरह दिख जाएगा, इधर से आप डायरेक्टली पॉइंट कर सकते हो जो भी फाइल्स फोल्डर्स आप ओपन कर सकते हो। ओके ये प्लस वाले साइन पर क्लिक करेंगे तो जो फोल्डर है सब फोल्डर इस ड्राइव के अंदर जो भी फोल्डर्स है या जो भी है वो आपको दिख जाएगा। ओके और प्लस पर क्लिक करेंगे तो उसके अंदर जो भी सब फोल्डर है मतलब फोल्डर के अंदर फोल्डर वो आपको निकल के आएगा कुछ इस तरह का जैसे कि आप देख सकते हो। और इधर ही मेरा इमेज वगैरह सब कुछ है, ओके पुराना इमेज तो बहुत सारे हैं और जो प्रीव्यू है इमेज का इधर शॉर्टली आप देख सकते हो इधर लेफ्ट बॉटम में। और अभी कोई भी फोल्डर ओपन कर लेंगे एक आपको दिखाने के लिए जैसे कि ये, और जो इमेज का प्रीव्यू वो आपको दिख जाएगा नीचे ये जैसे कि आप देख सकते हो। तो पहली बार के लिए थोड़ा वक्त ले रही है, ओके गाइस जैसे कि आप देख सकते हो थोड़ा टाइम लगेगा ये लोड होने के लिए। और जो इमेज का प्रीव्यू वो आप इधर देख सकते हो, इसे बड़ा भी कर सकते हो और कई सारे फीचर्स भी मिल जाते हैं जैसे कि क्रॉप रिसाइज वगैरह वगैरह स्लाइड शो, बहुत अच्छी अच्छी फीचर्स भी मिल जाते हैं। और एक खास बात कि इसे आप स्क्रीन कैप्चर मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो और इधर आप इफेक्ट्स भी डाल सकते हो, बैकग्राउंड ब्लर वगैरह इफेक्ट्स कर सकते हो, बैकग्राउंड कलर कर सकते हो, बहुत तरह तरह की एडिटिंग आप इधर से ही कर सकते हो। ओके और जो फाइल्स वगैरह जो आप एडिट करोगे वो सिंपली इधर से सेव भी कर सकते हो, सिंपली ये जो है फाइल नीचे सेव है इधर से आप सेव भी कर सकते हो। और जो फोटो है वो आप फुल स्क्रीन पे भी व्यू कर सकते हो सिंपली डबल क्लिक करके, जैसे कि आप देख सकते हो डबल क्लिक करेंगे वापस तो ये अपने जो नॉर्मल विंडो में चले आएंगे। और इधर से वीडियोस पर सेलेक्ट करेंगे तो जो वीडियोस है उसी फोल्डर में वो आपको दिख जाएगा। और नीचे सिंपली इधर प्ले पॉज जो बटन है इस पर अगर आप क्लिक करते हो तो स्मॉल विंडो में इधर आपको दिख जाएगा, आप डबल क्लिक करेंगे इस स्क्रीन पे तो आप तो आपको फुल स्क्रीन मिल जाएगा। ओके अभी एक वीडियो दूसरा वाला चेंज कर लेता हूँ, मान लो ये वाला जैसे कि आप देख सकते हो फुल स्क्रीन हो चुका है। अभी डबल क्लिक करेंगे इसी स्क्रीन पे तो आपको नॉर्मल सा विंडो मिल जाएगा। ओके कुछ इस तरह का फंडा ये है। ओके तो वीडियो में बताना, तो कमेंट में बताना कैसा लगा ये वीडियो, आई होप कि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना। कुछ भी डाउट या तो क्वेरी सबके मन में है तो नीचे कमेंट कर सकते हो और मुझसे अगर पर्सनली बात ही करना है तो इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर लेना R013 मेरा आईडी और लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके और चैनल बनाए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ओके और मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइज़।